नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। भाजपा के उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विधानसभा प्रभारियों के साथ आयोजित बैठक में विधानसभा चुनाव 2022 में 60 पार के लक्ष्य पर केंद्रित करते हुए जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, विधानसभा प्रभारी मोदी सरकार के साथ ही राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को जन जन तक पहुँचाए। चुनाव की दृष्टि हर बूथ को मजबूत करना जरूरी है और इस रणनीति के जरिए भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष बौखला गया है। विपक्षी दल लगातार सरकार के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चुनाव प्रभारियों को कोरोना महामारी के साथ ही उन्हें विपक्ष की राजनीतिक महामारी से भी बचना है। विपक्षियों पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों के चलते 1 लाख से अधिक फर्जी एनजीओ बंद हुए, 5 करोड़ से अधिक नकली राशन कार्ड पकड़े गए। इससे बौखलाया विपक्ष लोगों का हिमायती बनकर भाजपा का विरोध कर दुष्प्रचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख संपर्क अभियान के तहत सभी से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के 7 वर्षों की विकास की धारा, जिसका विश्व भी अनुसरण कर रहा है, को जन जन तक पहुँचाने की कार्य योजना बनानी चाहिए। आज भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से सुधर रही है, जिसे देखने में आया है कि गरीब के जीवन में सुधार आया है और केंद्र और राज्य सरकार देश को सशक्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। भारत विश्व में कोयला संग्रह में 4th स्थान रखता है। यूपीए सरकार की गलत नीतियों के कारण सभी कोयले की खदानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए थे, जिससे देश में चल रहे और प्लांट खतरे में आ गए थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कोयला खदानों की बोहरी को रोका है। साथ ही जोशी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जहां अन्य दलों की सरकारें हैं, वहां आज भी खदान चोरी हो रहा है और इन राज्यों में कोयला चोरी का धंधा बन गया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में आतंकवादी गतिविधियां पूरे देश भर में चरम पर थी और हर 15 दिन में एक आतंकवादी गतिविधि देखने को मिलती थी। जीवन के महत्व को कांग्रेसी सरकार ने खतरे में डाल दिया था। पिछले 7 साल में सभी खतरों को नस्तनाबूद कर दिया है, इससे राष्ट्र का गौरव भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 70 विधानसभाओं में नियुक्त विधानसभा प्रभारी क्षेत्र में कठिनाइयों का हल करने का माध्यम बनेंगे। समाज के भीतर तक राष्ट्रवाद की अलख जगाकर सभी समाज में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य विधानसभा प्रभारी करेंगे। विधानसभा प्रभारियों का कार्य ही 2022 की विजय तय करेगा। अटल जी की सरकार में उत्तराखंड का निर्माण हुआ और सरकार जाने के बाद 10 साल के कालखंड में कांग्रेस सरकार राज्य में को निचले स्तर पर ले आई। भाजपा सरकार आने के बाद राज्य में तेजी से विकास हुआ, जनता फिर से भाजपा को समर्थन देगी। बैठक में पहुंचे भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी ने विस्तारकों से सिलसिलेवार विधानसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल की। इसके साथ ही हर विधानसभा में किस तरह से भाजपा को मजबूत करना है, इसके बारे में भी टिप्स दिए। उन्होंने सभी विधानसभा प्रभारियों से कहा कि भाजपा का ढांचा बूथ लेवल पर है। पन्ना प्रमुख की स्थायी नियुक्ति चुनाव की दृष्टि से जल्द कर संगठन के ढांचा को बूथ स्तर तक मजबूत करना चाहिए। एक एक पन्ना प्रमुख नीचे तक कार्य करे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 60 से अधिक सीटों पर जीत का खाका तैयार करके चलना है। उन्होंने कहा कि विपक्षी कहीं है ही नहीं। भाजपा का कार्यकर्ता सत्ता में रहने के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ जनता के बीच रहता है। कोरोना काल में जहां भाजपा जनता के बीच थी, तो कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी क्षेत्र में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव प्रभारियों के कंधों पर 60 बार का लक्ष्य है। राजनीतिक मैनेजमेंट का उत्तरदायित्व वह बखूबी निभाएंगे, यह हमेशा से देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व उनके कार्यशैली का कायल है। प्रतिपक्ष वाले भी हमारे विकास कार्यों की सराहना करते हुए दिखते हैं। उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।